चार चीजें बहुत प्रिय हैं। पहली तुलसी, दूसरी गौ माता, तीसरी एकादशी और चौथी भगवान की कथा। ये चार चीजों से जो लोग, जो व्यक्ति जुड़े हैं वो श्री हरि के बिल्कुल करीब हैं। और उसमें एकादशी तो आने वाली है, कई लोग असमंजस में पांच की मनाए या छह की मनाए, तो पांच को तो दिन में आरंभ हो रही एकादशी इसलिए नहीं मनाई जा सकती। उदय तिथि में ही एकादशी सूर्योदय से आरंभ होनी चाहिए, इसलिए छह तारीख से ही एकादशी को हम मनाएंगे। किंतु इस एकादशी का बड़ा फल है, ये साधारण एकादशी नहीं है, षट तिला एकादशी है। क्या नाम है? षट तिला माने षट माने छह, छह प्रकार से इस दिन तिलों का उपयोग किया जाए तो जीवन के समग्र पापों को नष्ट करने की जो सामर्थ्य है इस एकादशी के अंदर है। क्या करें? तो यहां वर्णन है कि छह प्रकार से हमें इस षट तिला एकादशी पर उपयोग करना चाहिए। तिल स्नानम, तिलेर विष्णु पूजनम, तिल निवेदनम। तिल से जब सुबह सुबह एकादशी का व्रत रखें तो सुबह जल में थोड़े से सफेद तिल डाल लें। ये तिल कोई साधारण, इसी माघ मास में तिल का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है, इसलिए माघ मास में तिल दान करने का कोटि गोदान का फल मिलता है। तो भले थोड़े से ही तिल दान करिएगा, 50 ग्राम 100 ग्राम, किंतु इस माघ मास में अवश्य करिएगा। और एकादशी पे जो अभी आने वाली है 6 तारीख को, इस माघ मास की एकादशी में तनिक भर का तिल भी महान पुण्यदायी होता है, इसलिए 6 प्रकार से इनका उपयोग होता है। ये 6 उपयोग यदि आपने षट तिला एकादशी पर कर लिए तो भगवान श्री हरि की प्रसन्नता उस व्यक्ति को मिलती है। तो सुबह सुबह जल्दी स्नान करें तो उसमें थोड़े से सफेद तिल डाल लें, ये हो गया आपका प्रथम उपयोग। दूसरा, भगवान के लिए जब आप करें तो उसमें या तो तिल को पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, हल्दी मिला लीजिए, उससे ठाकुर जी को उबटन लगाइए और फिर शंख में थोड़ा सा दूध और तिल मिलाकर के प्रभु को स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए। ये हो गया उबटन में उपयोग। तो स्नान, उबटन और तीसरा दान, तिल का थोड़ा सा ही दान करें। उस दिन अवश्य दान करना चाहिए, लड्डू बना करके, कुछ फलार का अच्छा बना करके, टिक्की बना करके। ऐसे तो चावल निषेध है एकादशी वाले दिन, पाप रहते हैं चावल के अंदर, लेकिन षट तिला एकादशी के दिन खिचड़ी दान करना चाहिए। षट तिला एकादशी वाले दिन तिल दान करना चाहिए, बहुत अत्यधिक पुण्यदायी है। और चौथा है, उस दिन कुछ ना कुछ तिल का फलार लेना चाहिए। कैसे भी आपके अंदर ये षट तिला वाले दिन एक तिल पहुंचना चाहिए पेट में। तो चौथा खान में, और पांचवा है कि आप तर्पण में उसका उपयोग करें, भगवान को ही अर्घ दें। क्योंकि ये विधि नहीं पता है कि देवताओं को कैसे दिया जाता है, पितरों को कैसे दें, ऋषियों को कैसे दें, तो सबके एकमात्र आधार नारायण है। तो तांबे के कलश में सफेद तिल मिला लें और भगवान श्री हरि को थाली रख करके समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहकर अर्घ दे दें। तो ये हो गया तर्पण, और उसमें प्रभु आपको प्रदान किया है तो सबको लग जाए, ऐसा बोलोगे सभी को प्राप्त होगा, जो भी आपके ऋषि हुए, पितर हुए, देव हुए, सबको मिल जाएगा। और अंत में है कि हो सके तो षट तिला एकादशी वाले दिन हवन करने का बड़ा फल है। तिल ले लीजिए, थोड़े से शक्कर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिए, तीनों को सामग्री मिला करके गऊ के कंडे पर थोड़ा सा घी डाल करके महाराज, और उससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से 108 आहुति भगवान के समक्ष करें तो श्री हरि की संतुष्टि, श्री हरि की प्रसन्नता को प्राप्त करता है वो व्यक्ति। तो ये 5 प्रकार से, और यदि आप थोड़ा सा और इसे बड़ा कर दें तो ये एक ही षट तिला काफी है। विष्णु सहस्त्र नाम है, ये बहुत बड़ा उपयोग है।
और केवल मैं अपने जीवन का अनुभव नहीं बता रही, बहुत सारे भक्तों का अनुभव है। षटतिला एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के हजार नाम, तिल घी और शक्कर मिला करके और उसकी आहुति एक एक नाम के पीछे नमः लगा करके दे, भगवान को अर्पित करें हवन में हजार नाम। तो अगर जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट इस समय उपस्थित है तो वो सब का निवारण भगवान श्री हरि की कृपा कर देती है। तो षटतिला एकादशी पर अवश्य इन छह प्रकार से प्रभु का, इन तिलों का उपयोग करना, इसीलिए इसका नाम षटतिला है। तो माघ मास में भगवान के ही अंग से तिलों की उत्पत्ति हुई है। तो ये 6 तारीख को महान पुण्य पर्व है महाराज। अवश्य आप अगर व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई बात नहीं, आप 24 एकादशी नहीं रखते हैं, मत रखिए, किंतु ये षटतिला एकादशी को अवश्य रखिएगा, ये महान पुण्य है। इसके विषय में तो कहा है, तिल होमा तिल भोजनश्या तिल स्नायी तिल उती तिल होमी तिलोद्दिकी तिल भुक तिल दाता च षटतिला पापनाशिनी। 6 प्रकार से तिलों का यदि उपयोग इस दिन करें और उपवास प्रभु के लिए करें, उपवास का अर्थ मैंने कल बता ही दिया है आपको, कल बताया परसों बताया है कि उपवास का मतलब केवल ये नहीं कि 2 से 3 टाइम फलार कर लिया, उपवास का अर्थ है कि आपका मन प्रभु में लगना चाहिए। इसलिए कम आहार लो, सात्विक आहार लो, फलार लो, लेकिन कम संख्या, कम क्वांटिटी में लो, जिससे मन प्रभु में लगे। उस दिन थोड़ा भजन ज्यादा करें, 15 दिन में एक ही बार मिलता है ये समय और ये पूरा समर्पित होता है प्रभु के लिए। इस दिन किया हुआ प्रत्येक दान, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक पूजा अक्षय हो जाती है। इसलिए आप अवश्य षटतिला एकादशी पर ये कार्य करिएगा। तो भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए महाराज भक्त न जाने क्या क्या कार्य करते हैं। तो भगवान को 4 चीजें प्रिय हैं, एकादशी प्रिय है, गौ माता प्रिय है, कथा प्रिय है। तो यही पर ऐसी कथा आती है